anybody of any age has to be fit and healthy, isn't it? बहुत जरूरी है आज के दौर में, चाहे आप कुछ भी काम करो, चाहे काम कॉर्पोरेट जॉब पे जाओ, मे बी यू आर्टिस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मे बी यू आर टेक्नीशियन बिहाइंड द कैमरा. मतलब बोलने का मतलब यह है कि चाहे कोई भी इंसान कुछ भी काम करता रहे, चाहे काम नहीं भी करता रहे, तो भी जीने के लिए यू हैव टू बी हेल्दी, यू हैव टू बी फिट. तो बेसिकली फॉर दैट थिंग एवरीबडी यू रिक्वायर फ्यू फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, इज़न्ट इट? फ्यू फिजिकल रिक्वायरमेंट्स में इट्स अबाउट जीने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोफेशन के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, लाइक पर्सनल एंड प्रोफेशन, एंड तीसरा नॉर्मल लिविंग के हिसाब से, है कि नहीं? जैसे अगर मैं एक्टर हूं, कैमरा के सामने हूं, तो आई हैव टू बी मोर, मेरी बॉडी देख के लग रहा है यू हैव टू डिफरेंट. नॉर्मल इंसान जो कॉर्पोरेट वाला है, यू कैन एक्सपेक्ट हिम टू मेक दिस बॉडी, बिकॉज उसके पास टाइम नहीं है, उसका लाइफ अलग से है. हम लोग के पास कोई रेगुलर जॉब नहीं, 9 to 5 जॉब नहीं है. जब शूट है तो शूट है, जब फ्री है तो फ्री है, isn't it? जब काम करते हैं तो 24 घंटे काम करते हैं, 24/7. जब नहीं है तो नहीं है. कॉर्पोरेट है, एवरीडे 9 to 5, संडे छुट्टी. वो लोगों की बॉडी अगर फिट रहा, मेंटेन रखा, तो अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट दे आर गुड. ओनली फ्यूअर, नॉट एवरीवन. ना एवरी कॉर्पोरेट पीपल इफ यू सी, सबका टोन निकला है. जवान जवान लड़के लड़कियां स्पेशली, पूरा टोन निकला है. एंड दिस पार्ट स्पेशली पेट सबसे पहले आता, सबसे आखिरी में आता, फर्स्ट एंड द लास्ट. धीट है, एकदम धीट है. मैंने सबसे पहले सिखाया टू लिव लाइफ विद ग्रैटिट्यूड, इज़न्ट इट? बिटवीन यू एंड द सक्सेस, बिटवीन द ड्रीम्स, है ना? आपकी जो फैंटेसी, आपका जो भी है लाइफ का सपना, सबके बीच में ऐसे दो ही शब्द है, थैंक यू. तो वेन एवर यू फील लाइक कि अगर मेरी बॉडी आउट ऑफ शेप हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मुझे बॉडी बनानी है, कुछ भी करना है, तो मैं देखो तूने मेरे को इतना सब कुछ दिया, इतना फैल गया, इतना अच्छा हो गया, बॉडी बन गई, थैंक यू. मोटा हो गया, फिर भी थैंक यू. ईच एंड एवरी साइज, एवरी वे यू शुड हैव थैंक यू योर सेल्फ. सो लेट मी स्टार्ट बेसिक फिजिकल रिक्वायरमेंट. इट्स लाइक एवरीबडी, जैसे मैं अभी फिजिकल एक्सरसाइज करके बताऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि बेसिक टॉप टू बॉटम हाउ यू डू द वॉर्म अप, जो बेसिक है, बिकॉज आई बिलीव टू बी, जैसे जो नॉर्मल स्कूल में हमने सीखे थे ना, जो बेसिक्स को करते थे, उसी को इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं अपने क्लाइंट के साथ हर जगह. बस अलग अलग स्टाइल है करने का मेरा. आई डू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट अलॉट, नॉन स्टॉप फास्ट ट्रैक, है ना? आई मिक्सअप, जो मैं करता हूँ बाकी लोग नहीं करते, इतना प्राउडली मैं कहता हूँ. मैन आई गो एंड वर्कआउट फॉर माई सेल्फ, वट आई डू अदर्स डोंट डू. मैं किसी को मैं बोलूँ करने के लिए वो नहीं कर पाता, अल्लाह का शुक्र है. दैट्स व्हाई आई स्टैंड आउट, आई एम डिफरेंट. ये बताऊंगा, एक बेसिक सेशन करके बताऊंगा पेट का, जो करना है एक्सरसाइज, जो आप लोग घर के अंदर, ये जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा आप लोग अगर डेली घर पे भी करें, और उसके अलावा बाहर का वॉक का रोज भी करने का रहेगा वो करोगे, तो आपकी लाइफ एकदम सॉलिड रहेगी. एक्स्ट्रा रिजल्ट्स के लिए देन यू हैव टू गो एक्स्ट्रा स्टेप, देन जैसा जिम जाओ थोड़ा, जिसको वेट ट्रेनिंग की जरूरत है वो वेट ट्रेनिंग करे, जिसको गार्डन की जरूरत है वो गार्डन में जाए. मतलब आउट जाना पड़ेगा, घर से बाहर कदम रखना पड़ेगा. तो बाकी जिनके ऊपर जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है, घर के अंदर बेड पे अपने छोटा सा हॉल है वहीं पे, जितना पता है उतना भी बेसिक्स डेली कर लो, इंशाल्लाह यू विल बी फिट एंड हेल्दी. पावर भी आएगा, स्टेमिना भी आएगा, स्ट्रेंथ भी आएगा. सो लेट मी स्टार्ट विद द डाइट प्लान. एवरीडे का मैंने लास्ट टाइम तुमको बताया था, काफी लोगों को पता है, दैट्स माय फेवरेट रेसिपी टू रिमूव ऑल द डर्टी, डिटॉक्स करने के लिए बॉडी के अंदर से पूरा ब्लोटिंग निकालने के लिए. हल्दी, दालचीनी, अदरक, नींबू, शहद, लेकर तो पड़ेगा. देखे काटो चल, मेरे पास लिखा भाई, देखो तो याद है ना, चल बता एक्सप्लेन कर. हाँ दादा, अच्छा याद दिलाई, बताओ कमा.